तो सोया सीड आता है पहले, फिर आगे कैसे? ये सर सीड आया यहाँ से प्रोसेस चालू होती है यहाँ सीड का। अगर यदि हमको एडिबल बनाना है तो ये दाल मिल में जाएगा, इसकी प्री क्लीनिंग होगी, फॉरन मैटर वगैरह रिमूव होगा। यदि नॉन एडिबल DOC बनाना है तो ये डायरेक्ट इधर प्रेपरेटरी सेक्शन में आएगा। यहाँ प्रेपरेटरी सेक्शन में इसकी फिर क्लीनिंग होगी, मिट्टी वगैरह लकड़ी वगैरह निकालेंगे, फिर यहाँ से इसका कुकिंग होगा। कुकिंग के बाद में फ्लेकिंग होती है, ये सोया फ्लेक्स है। अब इस फ्लेक्स का सर यहाँ से फिर ये सॉल्वेंट प्लांट में जाएगा। ये फ्लेक्स यहाँ पर हेक्जेन से इसका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होगा। हेक्जेन से आयल जो है उसका पूरा ये फ्लेक्स में जो आयल है वो एब्जॉर्ब डिजॉल्व हो जाएगा, तो मिशेला बनेगा। मिशेला को डिस्टिलेशन सेक्शन में ले जाएंगे, आयल को अलग कर देंगे और हेक्जेन को अलग कर देंगे, वो हेक्जेन डिस्टिल होकर वापस रीप्रोसेस में जाएगा। और इसके बाद जो क्रूड आयल है ये क्रूड आयल हमको यहाँ मिलेगा। अब हमारे यदि दाल मिल से हम यदि एडिबल बनाते हैं तो यहाँ दाल मिल में सेलर से ये सेलर में जाएगा, यहाँ से इसकी हस्क वगैरह दाल बनाने के बाद फिर ये प्रेप में आएगा, कुकिंग होगी, फ्लेकिंग बनेगा, फिर SCP में आएगा। यहाँ नॉन एडिबल DOC बनेगी इससे, और ये एडिबल दाल से हमारा ये एडिबल DOC बनेगी, इससे हमारा TVP सोया चंक वगैरह बनता है, फ्लोर बनता है, और नॉन एडिबल DOC डायरेक्ट सेल हो जाए। हाँ, वो पशु आदि के लिए। जी सर, अब यहाँ SCP से जो आयल निकला DOC ये निकल गया, इसके बाद में ये आयल, इस आयल के बाद रिफाइनरी प्रोसेस चालू होती है। पहला स्टेज ऐसा डिगमिंग, क्रूड आयल में जो फास्फेटाइट्स है उसको हम लोग वाटर एडिशन, पहले आयल को गर्म करेंगे 70 डिग्री तक, 68-70 डिग्री गर्म करने के बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे 2 से 2.5% RO वाटर, देन इसको फिर हाइड्रेशन टैंक में ले जाएंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। वहाँ ट्रांसफ़र होने के बाद फिर ये सेंट्रीफ्यूग के अंदर ले जाते हैं, जो गम्स है फास्फेटाइड उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सेपरेट कर देते हैं। तो जो गम्स है वो रिमूव होने के बाद हम उसका एक बाइपोडल लेसिथिन बनाते हैं, उसमें जो मॉइस्चर है वो वैक्यूम से एवोपरेट कर देते हैं। 2% ऐड हुआ था तो तेल में रहेगा तो तेल ही खराब हो जाएगा। हाँ, और जो आयल है सर ये डीगम आयल है। अब इसमें जो नॉन हाइड्रेटेड फास्फेटाइड बचा है इसको रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा न्यूट्रलाइजेशन, जहाँ पर हम इसके साथ फास्फोरिक एसिड मिक्स करते हैं 1 kg per ton, देन फिर से इसके अंदर जो फ्री फैटी एसिड है 1% सपोज, उसको हमको न्यूट्रल करना है 0.1% तक। 0.1% के लिए हमको फ्लो के हिसाब से कितना कास्टिक मिक्स करना है तो उतना हम ऐड करते हैं, ये आयल न्यूट्रल हो जाएगा 0.1% FFA आएगी। फिर इसका पैरामीटर चेक कर लेते सोप PPM वगैरह। इसके बाद आयल की वाशिंग होती है सर 5% वाटर से, देन सर ये वाश डाय ड्राई होने के बाद ब्लीचर में आता है। ये ब्लीचर में अभी जो कलर 5% तो पानी डाला फिर वो कहाँ वो सर सेंट्रीफ्यूग से हम लोग सेपरेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से उसको वाटर सेपरेट करते हैं, तो वो पानी हमारा ETFA उसमें जाता है सर, एसिडाइल प्लांट, वहाँ हम उसको फिर से उसमें जो TFM है उसको रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद वो पानी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, और जो आयल है सर वो फिर ब्लीचर में आता है ड्राई होने के बाद। ब्लीचर में अभी ये जो कलर है सर इसको रिमूव करना है, तो यहाँ हम आयल को फिर गर्म करेंगे 110 डिग्री तक। यहाँ गर्म करने के बाद फिर इसमें ब्लीचिंग अर्थ ऐड करते हैं, ब्लीचिंग अर्थ ऐड होने के बाद जो सिलेरी बनती है उसको प्रेशर रिलीफ फिल्टर से हम फिल्टर करते हैं सर, तो हमको ये ब्लीच डायल मिलता है सर। अब ये कलर था भी ये यार, और जो स्पेंट अर्थ है जो सिलेरी जो हमने यूज की ब्लीचिंग अर्थ वो हमारी एक बाय प्रोडक्ट है, वो भी सेल हो जाती है। और जो सोप स्टॉक निकला था उससे सर ये बाई प्रोडक्ट एसिड है। सर इसके बाद ब्लीच डायल को हम डिओडाइजेशन में ले जाएंगे, इसमें से स्मूल रिमूव कर इसमें रिमूव करना है, तो हाई टेम्परेचर 250 टेम्परेचर पर अंडर वैक्यूम 2 टायर के अंदर इसको ओपन स्टीम से स्पॉच करके सर दैट इज डिओडाइजेशन। ये 500 टन कैपेसिटी का है, यहाँ इसकी स्मेल रिमूव करते हैं, फिर इसके बाद इसमें सर जो कलर है ये भी रिमूव हो जाता है। यहाँ हमको एक वाई प्रोडक्ट मिलता है फैटी एसिड, फैटी एसिड ये सर ये भी हमारा सेल हो जाता है। ये फैटी एसिड किस में काम आता है? ये सर अपना टोकोफ्रान, इसमें जो निकलता है जो डीओ से ये इसमें 4-5% रहता है टोकोफ्रान। फिर इसको हमारे पास एक प्लांट है डीओ डिस्टिलेशन, वहाँ हम इसका कंसंट्रेशन 8-10% करते हैं फर्दर डिस्टिलेशन करके, तो इसमें जो टोकोफ्रान है सर ये विटामिन ई में काम आता है, उसकी फर्दर प्रोसेस होती है सेल हो जाता है। देन इसके बाद सर आयल को फिल्टर कूलिंग करते हैं,
और ठंडा करते सर, ये रिफाइन। तो ये आप देख रहे हैं रिफाइनिंग करने में कुछ तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होंगे ही, लेकिन आदमी के जीभ का स्वाद ऐसा हो गया है और उसको खाने की आदत ऐसी पड़ गई है कि उसको ऐसा वाला ऑयल चाहिए जी। अब ऐसा ऑयल खाएंगे तो और उसको ज़्यादा विटामिन मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इसलिए हम फिजिकल रिफाइंड जब ऑयल देते हैं उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हम बचा लेते हैं। अब जिसको रिफाइंड खाने की आदत पड़ी हुई है वो ऐसा खाएगा, जो फिजिकल रिफाइंड खाएगा तो उसमें कलर थोड़े ज़्यादा रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रहेंगे। इसलिए बोला जाता है सबसे अच्छा होता है नेचुरल ऑयल, उसके बाद होता है फिजिकल रिफाइंड ऑयल, फिर होता है रिफाइंड ऑयल। अब किसको कैसा खाना है ये च्वाइस आपकी है, लेकिन ये तीन सत्य तो हैं ऑयल के। ये इतनी प्रोसेसिंग लोगों ने रिसर्च कर करके बनाई तो है, और इसके अंदर जो बायो प्रोडक्ट आते हैं उनकी भी कीमत होती है, ऐसा नहीं कि उनकी कीमत नहीं होती, लेकिन इंडस्ट्री ने लोगों का ऐसा माइंड सेट कर दिया है कि मुझे को तो ऐसा ऑयल चाहिए जिसमें कलर नहीं चाहिए, इसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं चाहिए, और रिफाइंड होगा तो उस जितना ज़्यादा रिफाइंड होगा उससे फिर मेरे को कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, मेरे को ट्रांसफैट नहीं बढ़ेगा। रिफाइंड से कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसफैट का कोई संबंध नहीं है। आपको पता होना चाहिए गाय के घी में किसी भी तरह का कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, कोई ट्रांसफैट नहीं होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल और ट्रांसफैट हैं ये तो अलग अलग चीज़ों की अपनी नेचर है। अब जैसे ऑयल तो बादाम में भी होता है और काजू में भी होता है, तो काजू वाले में कोलेस्ट्रॉल होता है, उसे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, ट्रांसफैट भी बढ़ता है, बादाम वाले से नहीं बढ़ता। तो ऑयलों में ये सत्य है कि ये जो रिफाइंड ऑयल है इसमें भी कोलेस्ट्रॉल और ट्रांसफैट नहीं होता है, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं रिफाइंड में। यदि आप फिजिकल रिफाइंड खाते हो या नेचुरल रिफाइंड नेचुरल ऑयल यूज़ करते हैं, हम इस देश का स्वभाव धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। ये एक दिन में तो नहीं बदलेगा कि आज आपने मेरी बात सुनी और हो सकता है आप बदल जाए, लेकिन इस देश के करीब 130-135 करोड़ लोगों तक अपनी बात पहुंचाना और उनको समझाना इतना आसान नहीं है। इसलिए बहुत लोग मेरे से कहते हैं स्वामी जी कि कौन सा ऑयल खाना चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ मल्टी ऑयल खाना चाहिए, एक जैसा ऑयल नहीं खाना चाहिए, तो साइंटिफिकली प्रूव भी हो गया है। सबसे अच्छा है कि गाय का घी खाना चाहिए, जो जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको नेचुरल ऑयल खाना चाहिए, जो नेचुरल अफोर्ड भी नहीं कर सकते तो फिर सस्ते ऑयल माने जाते हैं, लेकिन गुणों में कम नहीं है। इसके बारे में भी बहुत भ्रांति है कि जैसे पाम ऑयल है, अब तो पाम भी महंगा हो गया है। तो जो ऑयल जो खा रहा है उसको वैसा टेस्ट डेवलप हो जाता है। हाँ, कुछ इंडस्ट्री की मजबूरी है, जैसे जितने भी नमकीन बनेंगे जो जिनकी सेल्फ लाइफ एक एक साल की होती है, वो आप जो है पाम ऑयल में बना सकते हैं, दूसरे ऑयल में नहीं बना सकते, उसमें स्मेल पैदा हो जाएगी, वो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी उसकी। तो अलग अलग ऑयल के अलग अलग गुण हैं, उनके अलग 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 न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें अलग अलग विटामिन हैं। अब आपको कौन सा ऑयल खाना है तो आपको तय करना है, लेकिन मैंने आपको विशेषताएँ सबकी बता दी हैं संकेत के रूप में। एक एक ऑयल के बारे में हम पूरा डीपली जो उसके क्या एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो बताने जाएंगे तो वक्त लगेगा, लेकिन आपको प्राइस वाइज जो आपको अनुकूल पड़ता हो, टेस्ट वाइज जैसे आपके टेस्ट डेवलप हो रखे हैं तो टेस्ट थोड़े थोड़े चेंज करो। जैसे मेरी कोई चॉइस नहीं है ऑयल्स में, मैं कहता हूँ भैया जो चीज़ जिस ऑयल में अच्छी बनती है, अब जैसे इडली बनाते हैं कुछ बहुत सी चीज़ें और हैं जो खोपरा के ऑयल में, कोकोनट ऑयल में ज़्यादा अच्छी बनती है, तो मैं कोकोनट ऑयल भी खाता हूँ, मैं सनफ्लावर ऑयल भी खाता हूँ, मैं सोयाबीन भी खाता हूँ, मैं जो है कोई चीज़ पाम ऑयल में बनी हुई है, ऐसे तो मैं खाना ही बहुत कम खाता हूँ, मैं तो फलाहारी व्यक्ति हूँ, लेकिन कोई पाम ऑयल में है, कोई मस्टर्ड में है, अलग अलग कोई सस में। तो ये तो डायबिटीज़ के लिए, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं उनके लिए, हार्ट रोगियों के लिए, जिनकी कफ प्रकृति है, जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है, उनके लिए औषधि है एक तरह से, लेकिन तिल का तेल लोग बहुत कम खाते हैं, वो खाना चाहिए। अलग अलग अपने प्रकृति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, और फिर राइस ब्रान ऑयल है हार्ट के लिए सबसे बेस्ट है, वो खाना चाहिए। तो आप बहुत से लोग इस चक्कर में रहते हैं जो खास करके पैसे वाले लोग हैं कि हमको तो वो वर्जिन क्वालिटी का जो ओलिव ऑयल खाना है। अब वो लोग कोई 800, कोई 1000, कोई 1200, कोई 1500 रुपये भी एक्स्ट्रा वर्जिन करके बेच रहा है। भैया अपने देश के ऑयल भी बहुत अच्छे हैं,
और अब तो पाम की भी कैपेसिटी, हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 5 सालों में हम रुचि सोया को तो आत्मनिर्भर बनाएंगे ही, जैसे कि तेल का फ्लैक्चुएशन जैसे अभी 20-25 रुपए महंगा हो गया पाम, ये ना हो और अपने देश में जो है देश का पैसा देश में रहे और पाम को यहाँ अपने इन्वायरमेंट में बो करके और उसको भी ऑर्गेनिकली जो है उसका पूरा खेती करके इस देश को हम आत्मनिर्भर बनाए। करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए बाहर जा रहा है, ये तो अपने लिए देश के लिए बहुत ही घातक है, अपनी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने वाला है। तो अलग अलग ऑयल्स के बारे में मैंने आपको सामान्य संकेत के रूप में बताया, उसका प्रोसेस ऐसे